अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सॉरी वापस आ गया मेरे व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ऐसे मेरे व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। सो भाई, आज के व्लॉग में सीन्स कुछ तरह के जी। तो मैंने जाना था काम पे, तो आज चल के आपको दिखाते हैं। ख्वाजा फीद में मेरी साइट चल रही है, कंस्ट्रक्शन की कम्प्लीट हो गई है फाइनली। तो बस उसका थोड़ा सा काम रहता है, तो आज एक मिस्त्री साहब को लगाना है वहाँ पर, सफाई वगैरह उसकी थोड़ी सी करानी है, और वो अपना पार्किंग पोल्स लगाने हैं वो फिट करवाने हैं। तो बाकी आपको साइड भी घुमाते हैं, इंशाल्लाह चलते हैं फिर। ऐसे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग आप अच्छे लग रहे होंगे। भाई सपोर्ट किया करो यार, सपोर्ट करोगे तो कुछ बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे काम ख़राब हो जाएगा जी। हमारी ख्वाजा फीद यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस बताओगे आप सब लोगों को। तो हमने मेन एंट्रेंस नहीं जाना, हमने जाना है बैक यार्ड से, क्योंकि हमारा काम जो है वो भी बैक साइड से चल रहा है। बाकी ये रोड है, अबू धाबी रोड इसको कहते हैं, शेखों की रोड है, कमाल अल कमाल रोड। और बिल्कुल सीधा चलते जाओ इसी रोड पे तो शेख पैलेस भी आता है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन नसीब हुआ और हमें परमिशन भी ग्रांट हो गई तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ये आगे दूसरी रोड जहाँ से हमने अंदर हो के यूनिवर्सिटी एंटर होना है, गेट नंबर 2 से। चलो जी, आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी भाई कंस्ट्रक्शन के असूल्स। ख्वाजा फीद में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो मेरे पास है ये कंपनी का लेटर पैड, ये वाला, इस पे सारे लेबर्स जितनी भी हमारी काम करती है उसके सारों के नेम लिखे हुए हैं। तो ये मैंने चल के जाके गेट पे देनी है। बाकी मेरे पास जो है वो मेरा ऑफिशियल कार्ड बना हुआ है, मैं वहाँ दिखा दूँगा कि भाई मैं इस कंपनी का अपना GM हूँ, जो भी हूँ अपना अपना, उन्होंने मुझे एंटर कर देना। लेकिन जो हमारी लेबर होगी उसके लिए हमें ये ID कार्ड अपना पास देना पड़ेगा, जो कि कंपनी के लेटर पैड पे नेम शेम लिखे होंगे, तो ये चल के देना है। और बाकी लेबर जो होगी उसकी एंट्री इससे होगी, मेरी एंट्री जो होगी मेरे कार्ड से होगी। गेट के बाहर लेबर चेकिंग हो रही है उनकी, और मैं गेट के अंदर जाने लगा हूँ, अभी गेट खुलने लगा है। हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो भाई ये देख सकते हैं पार्किंग। बाकी व्लॉग में भी आप लोगों ने देखी होगी पार्किंग, इस साइड पर बाग है, 3-4 किस्म का बाग लगा हुआ है यहाँ पे, और है भी काफ़ी बड़ा। तो बाग को छोड़ें, बाकी यूनिवर्सिटी की आप एंट्रेंस देखें और पार्किंग ही देखें। यहाँ पे हमने जाके अपनी गाड़ी पार्क करनी है, और वो साइड चल रही है हमारी इधर, चल के दिखाते हैं आपको। हम पहुँच गए अपनी साइड पे, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारी कंस्ट्रक्शन साइट कम्प्लीट हो गई है। तो अभी मैं चल के आपको अंदर से दिखाता हूँ इसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या इसके अंदर हमने न्यू किया है। अभी धूप पड़ी है मेरे सामने से, तो अभी चलते हैं आपको, तो अभी चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं। IWMI का ऑफिस हमने बनाया है, ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस। आइडो पे हमने फूल फूल लगा के इसको खूबसूरत कर दिया, और ये आ जाते हैं हमारे पास पहले एंट्रिंग गेट, ये भी एलुमिनियम से लगाया है हमने, और नीचे टाइलिंग का। उसके बाद ये पहला रूम आ जाता है, ये वैसे ही हमारी साइड में नहीं था लेकिन इसकी हमने टाइलिंग की है। बाकी दरवाज़ा भी इसका लगाया है, तो अब आ जाते हैं अपने ऑफिशियल काम की तरफ। तो ये है ये पहला रूम, इसका दरवाज़ा, इसके रूफ टॉप, इसका फैन, विंडो, और ये आ जाते हैं एलुमिनियम हमारे पास। दूसरे रूम की तरफ चलते हैं, ये भी हमने सीलिंग दोबारा की है इसकी, इसके ऊपर रूफ ट्रीटमेंट किया था हमने, मतलब कि पूरा उसको मिट्टी से उखाड़ के सारा टोटली न्यू किया है। ये आ जाता है दूसरा रूम हमारे पास, इधर भी सेम एलुमिनियम, और ये अलमारी, और ये दरवाज़ा, और ये आ जाता है तीसरा हमारे पास मीटिंग रूम, मतलब यहाँ पे बैठ के मीटिंग हुआ करेगी। तो ये डबल रूम है, यहाँ पे यार कलर बहुत है, आप लोग देख रहे होंगे हमने 3-4 दफ़ा पेंट करवाया लेकिन फिर भी फट रहा है, लेकिन अब मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग है ये वाली। तो ये है जी इसका वॉशरूम, वॉश बेसन आ गया, और इसके साथ ठीक है। बाकी ये पोल्स वाला पड़े हैं, फाइबर शीट पड़ी है, ये बाहर शेड लगेगा। तो जी हमारे पास यहाँ पे इनका टेबल आना है, स्पीटिंग टेबल, और साइड से चेयर रखेंगे एज अ
ऑफिशियल प्रोफेशनल ऑफिस बनाएंगे ये। तो अभी चलते हैं रूम नंबर अपना एंड किचन की तरफ। तो ये है जी हमारे पास किचन, यहाँ पे चाय शाय बना करेगी, इसकी अलमारियाँ वगैरह फिटिंग की है हमने। ये भी इसका बेसन काट के लगना है यहाँ पे, ये देखते हैं। और ये जी हमने सारा काम किया, बहुत पुराना काम हुआ पड़ा था, 1998 की बिल्डिंग बनी हुई थी हमने सुना है, तो हमने जाके अब इसको न्यू किया है। कि इसकी आउटडोर एंट्रेंस ये आ गए हैं हमारे पास पेंट वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है, ठीक हो सर? ये है जी तारिक शाह और ये अरशद भाई हैं, एंट्री होगी। तो ये पेंट पड़ा इनका, ये पेंट करेंगे दरवाजों को। उस जी पेंट ज़बरदस्ती वे फ़र्क ना हो दरवाजे, ठीक है सही करवाते हैं, पढ़ दूँगा शश का। सारे पैसे तो यहाँ पूरे होते हैं हमारे। ये चीज अभी देखिए आप, ज़बरदस्त छाँव भी हो जाती है और धूप भी हो जाती है। तो इसको आसान तरीका है, बस यहाँ से हमने खींचते जाना है। अंदर से तो आप लोगों ने देख लिया, हमने आपको दिखाया ऑफिस वगैरह जो बनाया है, जो भी था सारा कुछ यही था। तो अभी हम चलते हैं बैक साइड की तरफ। तो ये है जी सारी मेरे पास बैक साइड, तो अभी चल के दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कहाँ लगनी है। ये है जी इसकी आउटर लुक, देख सकते हैं आप। पहले इसकी बहुत हालत ख़राब थी, 1996 या 98 का ऑफिस बना हुआ था। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे हमने लगाना है पार्किंग शेड, 1 2 3 ये निशान बने हुए हैं, यहाँ पे पोल्स लगेंगे पार्किंग वाले, और इसके ऊपर फाइबर शेड हुआ जो आपने अंदर देखा हुआ पड़ा हुआ था। बाकी ये सारी पार्किंग है, ये इसकी एंट्रेंस, यहाँ से गाड़ी एंटर होगी, यहाँ पे आके पार्क होगी। और ये हमारे पास वॉकिंग का यहाँ पर लगेगा, पैदल चलने के लिए जो उन्होंने कार की शेड लगा वो भी वो यहाँ पे हम लगाएंगे। बस यही है साइड भाई यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फ्रीज, जो कि बंद पड़ी हुई है, छुट्टियाँ भाई आजकल, इसलिए हम जो है ना स्टडी को छोड़ के अपने काम की तरफ आए हुए हैं। ये है जी इसकी दूसरी साइड, जो कि हमारे काम में शामिल नहीं थी। तो इसको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई जो पहली वाली जो फ्रंट साइड थी उसकी क्या हालत होगी, अगर इसकी इतनी हालत है। तो भाई चीज़ आपके सामने है, उम्मीद जमीन कंस्ट्रक्शन का भी पीछे नहीं रहती, चीज़ों को बदल के रख देती है, ठीक है। बाकी ये साइड है इसकी, इस तरह की थी, हमने उसकी हालत चेंज करके उसको बिल्कुल न्यू कर दिया है। ये स्क्रैप पड़ा हुआ सारा इनका, जो जो हमने उतारा था मटीरियल। और मेरे पास इस साइड पे है कैंटीन, ये अभी कैफ़े बन रहा है, न्यू कैफ़े, ये भी इसी का काम चल रहा था, अभी इन्होंने बंद किया हुआ शायद, नए सेमेस्टर में जाके इन्होंने ओपनिंग करनी है, कंप्लीट हो गया बस। देखें टेबल शेबल उनके पड़े हुए हैं, आ गए यहाँ पे, उन्होंने अपना सामान रखना है और खाने पीने की चीज़ें शुरू कर देनी है। चलो जी पोल्स की खुदाई का काम शुरू है। तो भी जैसे ही एक एक फुट पे हम इसको नीचे खुदाई करके फिर पोल लगाएंगे, ऊपर से फिर कंक्रीट के साथ इसको फिलिंग कर देंगे। आज का जो हमारा काम था वो हो गया कंप्लीट। तो ये व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, ऑफिस भी आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको ऑफिस। तो ऐसे हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें हमारे छोटे छोटे व्लॉग्स को। ये आज दीदार कर लें आप।